हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट अनदर वीडियो तो आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉस्ट शीट तो कॉस्ट शीट कॉस्टिंग में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कॉस्ट शीट से रिलेटेड ही आपको एक दूसरा टॉपिक है एंड दैट इज रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी कॉस्ट शीट जो है ये एग्जाम में ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आपको नॉर्मली देखने मिलता है पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं तो कॉस्टिंग में जो क्वास्टशीट ट्वेंटी मार्क्स का है वो ट्वेंटी मार्क्स के क्वास्टशीट में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है और टेन मार्क्स के क्वास्टशीट में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्वास्टशीट में लेवल्स कितने हैं जो सबसे पहला लेवल है वो है नॉर्मल लेवल अभी नॉर्मल लेवल में क्यों कह रहा हूँ इसको नॉर्मल लेवल का मतलब क्या होता है नॉर्मल लेवल का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है दैट इज योर फर्स्ट लेवल द सेकेंड लेवल इज वेन यू हैव यूनिट्स इन द क्वेश्चन तो अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट्स दिया है तो हम क्या करते हैं हम प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं सेल्स कैलकुलेट करते हैं दोनों में से एक चीज़ हमको दिया रहता है बाकी वो हम कैलकुलेशंस करके हम सीपीयू भी कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर यूनिट तो ये हमारा सेकेंड लेवल है हमारा जो तीसरा लेवल है आजकल उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया यूनिवर्सिटी ने एंड दैट इज एस्टिमेटेड शीट जिसमें आप दो साल की शीट बनाते हो एक साल के शीट से आप नेक्स्ट ईयर के शीट का प्रेडिक्शन करते हो दैट इज योर एस्टिमेटेड शीट तो ये तीन टाइप कॉस्ट शीट्स है पेपर में क्वेश्चन आएगा बीस मार्क्स का और ये बीस मार्क्स के साथ ऑप्शनल क्वेश्चन दस मार्क्स का भी हो सकता है तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं देखो क्वेश्ची तो सभी को पता है हम कल सुबह ग्यारह बजे रिवाइज करेंगे पूरा क्वेश्ची लेकिन आज हम क्वेश्ची में पढ़ने क्या वाले हैं आज हम क्वेश्ची में ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से पॉइंट्स कौन से हेड के अंदर जाते हैं और बेसिकली मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं जो आपको भी कंफ्यूज कर देंगे और अगर एग्जामिनर वैसे पॉइंट्स आपके पेपर में डालेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप उसके सही तरीके से सही हेड के अंदर आंसर लिखेंगे ये हम आज के वीडियो से सीखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए मैंने मैराथन सीरीज जो स्टार्ट की है अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले तो चलते हैं सीधा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर देखो सबसे पहले तो हमारा डायरेक्ट मटीरियल्स आता है राइट तो डायरेक्ट मटेरियल्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल्स कभी कभी डायरेक्टली दिया रहता है कभी कभी आपको ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स परचेज वो सब सारी चीजें आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखनी पड़ती है तो अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ लिखने हैं तो डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज डॉक चार्जेस ये आपका डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा फिर आपको याद रखना है इंपोर्ट ड्यूटी ये आपका डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा फिर आपको याद रखना है कैरेज इनवर्ड ये तो हमेशा आता है फिर आपको याद रखना है कार्टेज तो ये भी आपका एक डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा देखो ऐसे ऐसे नए पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि इधर से कुछ भी आएगा तो आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका आंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट जो आता है दैट इज ऑक्ट्रॉय नेक्स्ट जो आता है दैट इज कस्टम ड्यूटी तो ये सारे जो है ये सारे जो पॉइंट है ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हमेशा सीली मिस्टेक्स हमारे होते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है एंड दिस ऑल पॉइंट वी विल बी राइटिंग इन दी हेड डायरेक्ट मटीरियल तो डायरेक्ट मटीरियल के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपके आएंगे जो आपको हमेशा ध्यान जो है वो रखना है अब जो दूसरा आता है डायरेक्ट वेजेस तो ईजी है प्रोडक्टिव वेजेस जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमको कन्फ्यूज कर सकता है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसिस अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसिस में क्या आता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसिस में आपको याद रखना है कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स आता है क्या आता है सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स तो कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखा तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे अगर आपको दूसरा पॉइंट दिखता है कॉस्ट ऑफ ड्राइंग्स तो वो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेडिंग में लिखेंगे देन आपको अगर कंसल्टेंट्स का फीस दिखता है तो वो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसिस में हम लिखते हैं जैसे कि कोई हायर चार्जेस है लेकिन हायर चार्जेस जो है अगर कोई स्पेसिफिक जॉब का है ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब ठीक है तो ये आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखना है तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स जो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और एक पॉइंट जो एक बार पेपर में आया भी था कॉस्ट ऑफ ड्राइंग्स कॉस्ट ऑफ ड्राइंग्स डिजाइंस एंड लेआउट्स तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा देखो कॉमन पॉइंट्स तो सब जानते हैं एवरीवन वन नोज द कॉमन पॉइंट्स एवरीवन वन नोज की डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए तो सीधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखना है डायरेक्ट मटेरियल आए तो सीधा डायरेक्ट मटेरियल में लिखना है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा हमको सिली मिस्टेक हम उसमें कर सकते हैं कि हमें वो कंफ्यूज करते हैं कि वी आर थिंकिंग की एक्जैक्टली इसको फैक्ट्री में लिखना चाहिए ऑफिस में लिखना चाहिए कि सेलिंग में लिखना चाहिए दैट इज द मेन रीजन वी आर रिवाइजिंग दिस नेक्स्ट जो आता है वो आपके पॉइंट्स होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के अभी फैक्ट्री ओवर में आपने ऐसे सीखा होगा कि ऑल दोज पॉइंट्स बिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री वी आर राइटिंग ऑल दिस इन दिस हेड दैट इज फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री सुपरविजन मोटिव पावर पावर एंड फ्यूएल फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी बहुत सारा है लंबा चौड़ा लिस्ट है लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है जो आपको ध्यान रखने हैं तो वो उस पॉइंट्स को हम अभी रिवाइज करेंगे सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑन ऑफ ट्रायल रन ठीक है एक्सपेंसेस ऑफ ट्रायल रन अगर दिखता है तो आपको फैक्ट्री में लिखना है दूसरा एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड दैट इज ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी ठीक है ये नाम देखो ये गड़बड़ वाला नाम है ऑफिस वर्ड आया तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑफिस में लिख देंगे लेकिन आपको हॉलेज ऑफ मशीनरी तो हॉलेज ऑफ मशीनरी अगर आया तो वो भी किस में लिखना है वो भी आपको फैक्ट्री में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है लूज टूल्स रिटर्न ऑफ ठीक है लूज टूल्स रिटर्न ऑफ अगर है तो स्पेयर पार्ट्स लूज टूल जो भी होते हैं वो भी हमारे फैक्ट्री के ही पॉइंट्स होते हैं फिर अगर हम पॉइंट की बात करें जो आपको ध्यान रखना है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ये जो पॉइंट है ये भी हमें कहाँ लिखना है ये भी हमें फैक्ट्री में लिखना है तो बाकी सो सिंपल पॉइंट्स होते हैं सारे जो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे नेक्स्ट होता है हमारा पॉइंट जैसे कि मटेरियल्स हैंडलिंग चार्जेस तो मटेरियल्स हैंडलिंग चार्जेस तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये भी आपका कहाँ जाएगा फैक्ट्री में जाएगा कभी कभी एक पॉइंट आता है विच इज कॉल्ड टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी कौन सा पॉइंट टेक्निकल डायरेक्टर्स सैलरी तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये भी जाएगा फैक्ट्री में टेक्निकल वर्ड निकल जाएगा और अगर ओनली डायरेक्टर सैलरी आएगा तो वो सीधा ऑफिस में जाएगा तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी कैन रिमेंबर अगला जो हेडिंग है हमारा फिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड्स अभी उसमें कौन से पॉइंट्स है तो इसमें तो आपने सिंपल तरीका सीखा होगा कि सारे के सारे पॉइंट जो ऑफिस को रिलेट करते हैं वो यहाँ जाएंगे जैसे कि ऑफिस रेंट अकाउंटिंग चार्जेस स्टाफ सैलरी ऑफिस लाइटिंग ऑफिस क्लीनिंग ऑफिस कन्वेन्स जनरल एक्सपेंसेस डेप्रीसी ऑन फर्नीचर डेप्रीसी ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स ऐसे सारे जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने बताए वो सब बच्चे सही कर देंगे लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं उसमें से पहला काउंटिंग हाउस सैलरीज ठीक है ध्यान से मैं ऐसे ऐसे नाम लाया हूं कि ये इधर से कुछ भी एग्जामिनर अगर पूछता भी है तो आपकी गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए तो पहला कौन सा है काउंटिंग हाउस सैलरीज दैट इज रिलेटेड विद योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ठीक है उसके बाद पर्क्स टू ऑफिस स्टाफ तो ये पर्क्स टू ऑफिस स्टाफ नाम में ऑफिस है तो आपका गड़बड़ तो वैसा भी नहीं होगा लेकिन ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है आपका लीगल एक्सपेंसेस तो लीगल एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ विच आल्सो अ पार्ट ऑफ यूर ऑफिस फिर फिक्स uh, असेट्स जो भी होते हैं फिक्स असेट्स परचेज करके आता है डोंट राइट फिक्स असेट्स परचेज हमें नहीं लिखना है लेकिन जो फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हमें हंड्रेड परसेंट लिखना है तो फिक्स असेट्स नहीं लिखना है फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन हमको लिखना है याद रखना और वो डेप्रिसिएशन में भी अगर वो मशीनरी का है तो उसको फैक्ट्री में लिखना है अगर वो ऑफिस फर्नीचर का है तो उसको ऑफिस में लिखना है एंड अगर वो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है तो उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लिखना है नेक्स्ट जो हेडिंग आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इसमें तो आप सभी को पता होगा कि आपने पढ़ा है ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सेल्स ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सेल्स हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लेकिन जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लेने चाहे तो एडवर्टाइजमेंट सेल्समैन कमीशन बैड डेट्स शोरूम एक्सपेंसेस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कमीशन ऑन सेल्स फिर सेल्समैन कमीशन डिस्काउंट अलाउड ऐसे सारे पॉइंट्स आते हैं तो आपको ध्यान रखना है अभी इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं उसमें से सबसे पहला अगर पॉइंट मैं बताऊं दैट इज फाइनल पैकिंग चार्जेस ठीक है फाइनल पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस ऐसे याद रखो आप फाइनल पैकेजिंग या पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस अगर ये पॉइंट आपको मिलता है तो वो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है नेक्स्ट आपका होता है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स ठीक है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स अगर आता है तो वो भी आपको सेलिंग में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट होता है सैंपल्स एंड गिफ्ट्स का ठीक है सैंपल्स एंड गिफ्ट्स का तो ये अगर पॉइंट आपको दिखता है तो ये भी आपको लिखना है किसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स में ठीक है कैरेज आउटवर्ड ये भी याद रखना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं अगर कैरेज इनवर्ड आया तो ऊपर आएगा और कैरेज आउटवर्ड अगर आया तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हेडिंग में आएगा ठीक है कॉस्ट ऑफ टेंडर्स ऐसे भी आ सकता है कभी तो वो भी लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ टेंडर्स कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स ऑल दीज आर रिलेटेड विथ सेलिंग सेलिंग में ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा आपका सिली मिस्टेक उधर ऊपर ही होता है factory overheads एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हिट्स वो काउंटिंग हाउस सैलरीज एंड वो ड्राॅइंग ऑफिस सैलरीज उसमें हमारे सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं हॉलेज में हमारा सिली मिस्टेक्स हो सकता है तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके कॉस्टशीट के फॉर्मैट में याद रखने हैं बिकॉज फॉर्मेट सभी बच्चे पढ़ते हैं सम सभी बच्चे सॉल्व करते हैं लेकिन एग्जाम में जाने के बाद कोई ऐसा पॉइंट्स आपको दिख जाता है जिसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उसको फैक्ट्री में लिखूँ कि ऑफिस में लिखूँ और गलत प्रेजेंटेशन लिखने के बाद आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है और आपका फिर इंटरनल मार्क्स चला जाता है तो दैट इज़ वाई वी शुड फोकस ऑन ऑल दिस पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस टूडे तो ये था हमारा क्वेश्चशीट का ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसमें आपको फोकस करना है या आप अपने बुक्स में लिख के रखिए या फिर एग्जाम के पहले ये वीडियो का लिंक आप सेव करके रखिए अपने पास ये वीडियो को भी आप देख के जाएंगे तो भी आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी या फिर इसको सबको एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लेना एंड देन वो एग्जाम से पहले पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करके जाएंगे क्वास्टिट के लिए तो, तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके क्वास्टिट सॉल्व करने में अगर आपको इस तरीके की इनिशिएटिव मेरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए जिसमें हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को कवर करें बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले ताकि वो वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको दे दूँ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर